बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? जनाब ये देखिए, ये घर के देसी मुर्गे, तो आज हम इनमें से एक मुर्ग पकाएंगे। माशाल्लाह, तो देखिए कितने फ्रेश, कितने ताज़ा दम और कितने हेल्दी हैं। तो आज हम बनाएंगे देसी मुर्गे की कढ़ाई, तो चलिए देखते हैं। और ये देखिए आप, इतना खूबसूरत, इतना हेल्दी है। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं देसी मुर्ग कढ़ाई। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ मारिया अंसारी और ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल मारिया अंसारी फूड सीक्रेट्स, जिसके अंदर आज हम बनाएंगे देसी मुर्ग कढ़ाई। तो जिसके लिए मेरे पास एक पूरा मुर्गे का गोश्त है और उसके साथ मेरे पास 3-4 बड़े प्याज हैं, टमाटर हैं, लेमन है, हरी मिर्चें, हरा धनिया और कुटा हुआ अदरक है, सारे मसाले हैं। और लहसुन जो है वो हरे वाला लहसुन आज हम यूज़ करेंगे, वो आप देख सकते हैं थाली में पड़ा हुआ है। ये हरे वाला जो ग्रीन लहसुन होता है, ये वो वाला है। और ये आप चेक करें, माशाल्लाह बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़े का चिकन है। ये देखें तो देसी मुर्गे की, आप देखें लेग पीस की हड्डियाँ कितनी लंबी लंबी हैं। तो सबसे पहले हम लेंगे प्रेशर कुकर, तो ये थोड़ा सा हार्ड होता है, तो जस्ट इसे हम 4 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे। तो गोश्त प्रेशर में डालेंगे, ये देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये गोश्त हमने डाल दिया है प्रेशर के अंदर, बहुत ही टेस्टी, ये देखें ज़रा। तो अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे पास 3 बड़े साइज़ के प्याज हैं जो काट के रखे हुए हैं, वो हम इसके अंदर ऐड करेंगे। तो अब मेरे पास ये बड़े साइज़ के 4 टमाटर हैं जो मैंने काट के रखे हैं, वो इसमें डाल दिए, क्योंकि कढ़ाई के अंदर टमाटर बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मेरे पास है अदरक जिसको मैंने कूट लिया है, और ये मेरे पास है ग्रीन लहसुन जो कि मैंने काट के रखा हुआ था, वो इसमें डाल दिया। और फ्रेंड्स, आपने मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को भी प्रेस करना है ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। तो अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो इसमें डाल दिया 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर, और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टेबल स्पून नमक। हल्दी इसमें नहीं जाएगी और बस हम इतना ही इसमें डालेंगे, बाकी सारे मसाले हम डालेंगे बाद में। अभी जस्ट नमक और इसमें हमने डाली है लाल मिर्च। तो ये इसमें डाल दिया 1 कप पानी का। तो वैसे तो ब्रायलर की जो हम कढ़ाई बनाते हैं वो हम डायरेक्ट ही उसे पका लेते हैं, मगर ये जो देसी मुर्गा होता है, ये थोड़ा सा इसका गोश्त हार्ड होता है, तो आप चाहें तो हांडी के अंदर भी पका सकते हैं। मगर अगर आप इसे जस्ट 4 मिनट के लिए प्रेशर लगाएंगे तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको ढक्कन लगाएँगे। तो फ्रेंड्स, आप सबसे एक बात शेयर करना थी, मैंने कल ही एक और नया चैनल बनाया है जिसका नाम है मारिया ब्यूटी टिप्स के नाम से। तो अभी वो कल शुरू किया है, कल ही उस पर मैंने पहला वीडियो डाला है। तो आप सब मेरे उस चैनल पे भी आएँ, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी। तो आप सब लोग मेरे उस चैनल पर आएँ और उसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपने कोई अपनी ब्यूटी के हवाले से बात करनी हो, कॉस्मेटिक्स के हवाले से, तो आप कर सकते हैं। वो स्पेशल चैनल मैंने बनाया है आप लोगों के लिए, जिसके अंदर आपको ब्यूटी टिप्स दिए जाएंगे और कॉस्मेटिक्स के ऊपर रिव्यू तैयार किए जाएंगे। तो आपने वो लाजमी देखना है और फिर मुझे बताना है कि वो चैनल कैसा है, ठीक है ना? तो अब हमने गैस को रख दी, अब हमने प्रेशर को रख दिया है गैस के ऊपर, और इसको हमने पकाना है तकरीबन कोई 4 मिनट, 4 मिनट से ज़्यादा नहीं लगाएंगे। तो ये देखिए, ये हो गया है। अब हमने इसकी सीटी हटा दी, अब हम इसका ढक्कन खोलेंगे। तो ये देखिए, ये तो मीट जो है वो डेफिनेटली गल चुका है, मगर इसके अंदर भी पानी है। तो अब हमने इसके पानी को अच्छे तरीके से प्रेशर के अंदर ही ड्राई करना है। तो ये गैस पे हमने रख दी है कढ़ाई, इसके अंदर हम डालेंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुकिंग ऑयल डाल दिया, इसको अब हमने करना है गरम अच्छे तरीके से। ठंडे ऑयल के अंदर कभी भी गोश्त को नहीं डालना चाहिए। तो ये देखिए जनाब, पानी सारा ड्राई कर लिया था, अब हमने कढ़ाई के अंदर ऑयल को गर्म किया है, उसमें डाल दिया है सारा हमने अपना देसी मुर्गा। तो आज बन रही है जनाब आप लोगों के लिए देसी मुर्गे की कढ़ाई। तो इसके अंदर मैंने उसका काली मिर्च का यूज़ इसमें ज़्यादा करना है, रेड मिर्च इसमें मैंने बिल्कुल थोड़ी सी डाली है। तो काली मिर्च और हरी मिर्चों के अंदर ये बहुत ही टेस्टी बनती है। तो इस तरह से सारा गोश्त हम प्रेशर से निकाल के कढ़ाई में डालेंगे। तो अब हमने इसको यहाँ पे कोई
तकरीबन 10 मिनट के लिए इसको फ्राई करना है। तो ये देखिए ये 10 मिनट के लिए फ्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप दही का। दही आपका खट्टा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। तो 10 मिनट इसको भूनने के बाद हमने 1 कप दही का इसमें डाल दिया है। अब हम इसको 5 से 10 मिनट के लिए फिर फ्राई करेंगे अच्छे तरीके से। तो ये आप चेक करें, इस तरह से आपने इसको फ्राई करना है और फ्लेम आपका नॉर्मल होना चाहिए। काली मिर्चों का टेस्ट बड़ा अच्छा लगता है इसके अंदर, कढ़ाई के अंदर। तो ये देखिए हमने इसको और अच्छे तरीके से 5 से 10 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब ये मेरे पास 1/2 टेबल स्पून जो मैंने इसमें डाला है वो कढ़ाई का पाउडर था, तो ये इसमें मैंने डाल दिए 8-10 हरी मिर्चें। अब इसमें जाएंगे, ये मेरे पास 2 मोटे वाले लेमन थे उसके स्लाइसेस, वो डाल दिए। तो जस्ट इसमें 1/2 टेबल स्पून आपने डालना है कढ़ाई पाउडर, अगर आपके पास है तो ठीक है, अदरवाइज़ कोई मसला नहीं। तो अब यहाँ पे भी इसकी अच्छे तरीके से हम मिक्सिंग करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको अब हम यहाँ पे फिर फ्राई करेंगे। तो बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है देसी मुर्गे की जनाब। और अगर आप चाहें तो इसको और ज़्यादा हेल्दी करने के लिए और टेस्टी करने के लिए आप इसमें देसी घी भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए ये माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से पक रहा है। तो यहाँ पे अब हमने इसमें डाल दिया है धनिया, 5 मिनट और गुजर गए। तो ये आप देखें बहुत ही मज़े की खुशबू आ रही है। और इसमें जो हरा धनिया और लेमन मैंने ऐड किया है उसकी बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। तो ये अब तैयार है, ये बन चुका है। तो अब हमने इसे गैस से उतार लिया है, आप चेक करें ज़रा इसकी लुक। तो माशाल्लाह बहुत ही यमी और बहुत ही अच्छी लुक आई है इसकी। तो अब हम इसको निकालेंगे प्लेट के अंदर। ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखें जनाब, आप इसे सर्व करें गर्मा गर्म नान के साथ। तो जब आप ये वाली कढ़ाई आप घर पे बनाएंगे इस स्टाइल से, तो फिर आपको थोड़ा सा डिफरेंस नज़र आएगा। तो ये देखिए कितनी बड़ी बड़ी हड्डियाँ और बड़े बड़े पीसेस हैं देसी मुर्गे के। और ये लेग पीस आप चेक करें, माशाल्लाह कितनी लंबी हड्डी है इसकी। तो इस तरह से इसके अंदर हल्दी बिल्कुल भी आपने नहीं डालनी। तो ये देखिए माशाल्लाह। तो जनाब ये थी स्पेशल स्पेशल मेरी देसी मुर्गे की रेसिपी आप लोगों के लिए। देसी मुर्ग कढ़ाई मेरे स्टाइल में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, लाइट और टेस्टी और क्रीमी। ये देखिए, तो आप भी इस तरीके से बनाइए, खाइए, इंजॉय कीजिए और फिर मुझे बताइएगा कि कैसी बनी है आपकी देसी मुर्गे की कढ़ाई। तो थैंक यू सो मच, वीडियो को लाइक करिएगा।